मूसा अलैहिस्सलाम जब खिजर अलैहिस्सलाम से मिले तो वो एक कश्ती में सवार हुए। उस कश्ती के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम की मदद करी और उनसे पैसे भी नहीं लिए। आखिर में खिजर अलैहिस्सलाम ने उनकी कश्ती में एक छेद कर दिया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुए और उन्होंने खिजर अलैहिस्सलाम से पूछा, आपने इनके साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया? बाद में खिजर अलैहिस्सलाम ने समझाया कि आगे एक जालिम बादशाह था जो कि लोगों की कश्तियों को हड़प लेता था। मैंने उस कश्ती में छेद इसलिए कर दिया ताकि वो बादशाह उस कश्ती को डिफेक्टिव समझ के छोड़ दे। ये लोग अपनी कश्ती को आसानी से ठीक करके फिर से इससे काम ले सकते हैं, पर अगर इनकी कश्ती छिन जाती तो इनके रोजगार का जरिया छिन जाता। जिन चीजों की हमें नॉलेज नहीं होती उसके पीछे की हिकमत को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हों जो आपको बिल्कुल समझ ना आए तो उस वक्त अल्लाह पर भरोसा रखिए।